सुपर तो ये जगह पे हम नाइट को रुके थे। यहाँ देखिए बहुत बड़ी जगह है, आप भी यहाँ पे रुक सकते हैं, कोई भी यहाँ आके रुक सकता है। मक्कावल गांव है। तो चलो यहाँ से हमारी माउंट आबू की जर्नी का दूसरा दिन की शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ से हम आए थे तो भी यहाँ से अभी माउंट आबू करीबन 30-35 किलोमीटर होगा। ये लोग तो आगे निकल चुके हैं, हम लास्ट में ही थे। वहाँ से निकले थे मक्कावल से, मक्कावल से थोड़े ही दूर 2 या 3 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे 60 का गांव में हम आए हैं। तो वो देखिए सामने ये मंदिर है चंदनगिरी बाबूजी का, 60 का धाम है। तो यहीं पे ही ज़्यादातर चंदनगिरी बाबूजी यहाँ पे ही रहते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके वो मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए वो जो आपको मंदिर दिख रहा है वही मंदिर चंदनगिरी बाबूजी की कुटिया है, ये 60 का धाम है। ठीक है, तो चलो अभी हमारी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। देवदर हाईवे है ये, और यहाँ से अभी आगे यहाँ से हम राइट साइड घूम जाएंगे। कितनी दूरी के बाद? बस यहाँ ये 200 मीटर ही है। 200 मीटर के बाद ठीक है, करोटी गांव में एंट्री ले ली। तो भी यहाँ थोड़ी देर चलेंगे। बन गया है ये, हाँ। तो बस अभी अच्छा है, बढ़िया है, कैसा है, बहुत टेस्टी बना है, टेस्टी है। तो अभी नाश्ता हो गया हमारा रेडी। जो नाश्ते में आज है चाय और थेपला। ये जय भाई है, ये हमारे जय भाई है, और फलाड़ी भाकरी। एकादशी का उपवास है। और आपका एकादशी का व्रत कब से चल रहा है? 1 साल से चल रहा है, अभी ये लास्ट टाइम का है। लास्ट मंथ एक मंथ में 2 एकादशी आती है। तो उन्होंने 24 ऐसी एकादशी व्रत किया, तो एक मंथ में उन्होंने 6 दिन, हाँ 6 दिन, 6 दिन उपवास करा। तो इनका शरीर ना है, पूरा पूरा कुछ खाने का नहीं है, पूरा वीक हो गया। हम अभी वो थेपला चटनी और साथ में दही दही खाने वाले हैं, चाय खाने वाले हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है। ऐसे भी जब हम चलते हैं तो साथ में दही रखते हैं। नाश्ता है, थेपला है, बहुत बढ़िया। ये लहसुन की चटनी और ये दही है, दही। चलो तो फटाफट से अभी नाश्ता कर लेते हैं भाई। अभी तो सुबह का नाश्ता है, ब्रेकफास्ट चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये दोपहर का लंच भी हो जाएगा इधर। तो चाय नाश्ता कर, तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं, अभी डायरेक्ट जाएंगे भैरू तारक। अब दोपहर का लंच वहाँ पे लेना है भैरू तारक पे। यहाँ से 15 या 20 किलोमीटर जैसी जर्नी है। यहाँ से 10-1 किलोमीटर होगा भैरूताल, वहाँ पे हम दोपहर का लंच लेने वाले हैं। चलो मित्र चल। कैसे हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है आपका? टोमेटो खाना है आपको? टोमेटो खाना। लेके कहाँ जा रहा है? कुल्हाड़ी लेके कहाँ जा रहा है? सुपर इस जगह पे हमको जाना है भैरू तारक। तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, आपको दिख रहे वो अभी माउंट आबू के ही पर्वत है। तो उसके तो देखिए ये है भैरू तारक तीर्थधाम। अभी हमको जहाँ जाना है वो यहाँ से आधा घंटा दूर है, अभी यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी बाकी है। हाँ बस हम अब वो भैरू तारक तलेटी से जो मामा देव का मंदिर आ रहा है वहीं पे पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, ज़्यादा नहीं 5 मिनट में हम वहीं पहुँच जाएंगे। और लंच का फिर वहाँ जाके अच्छे से नहाएंगे सब, फिर लंच का प्रोग्राम है, फिर हम लंच करेंगे, फिर 1 घंटा रेस्ट करेंगे, और फिर वो दिख रहा है वहाँ से चढ़ना ट्रैकिंग करना शुरू करेंगे, ट्रैकिंग होगा हमारा। तो चलो फाइनली गाइस जो सामने दिख रही वही जगह है,
हमारा जो दोपहर का स्टेशन है यहाँ पे भोजन करना है, तो बस उस जगह पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी थकान लगी लेकिन फाइनली पहुँच चुके हैं। अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे है, तो हम सुबह 6:30 बजे वहाँ से निकल चुके थे, तो अभी दोपहर को 12:30 बजे तक यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ा रेस्ट किया, थकान लगी है बहुत ही हैवी, तो सब लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। देखिए तो अभी मैं भी ले लेता हूँ खाना। दोपहर का खाने में है लड्डू, गुवार फली और पटेका की सब्जी, पापड़ और रोटी। तो चलो भाई अभी यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया था, दोपहर का भोजन भी यहाँ लिया था, तो अभी बजे है 2:30 और यहाँ से हम सबने प्रस्थान कर दिया है। तो चलो ये रही पीछे की जगह, यहाँ से सीढ़ियों से हम माउंट आबू चढ़ने वाले हैं। कितना 3 किमी है सीढ़ियों से? 3 किमी मतलब करीबन 3 घंटे का रास्ता होगा? नहीं 3 घंटे का, 2 घंटे का। तो चलो भाई यहाँ से सीढ़िया से अभी हमारी जर्नी शुरू करते हैं, और ये माउंट आबू का पीछे का रास्ता है, तो हम यहाँ से चल के चढ़ने वाले हैं। तो चलो Thank you.